क्लास में इंटीग्रेशन में 10 टू दी पावर एन एक्स को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, मतलब यदि 10 का पावर कुछ है 5, 4, 3, 6, 7 तो उसे 10 टू दी पावर एन एक्स के अकॉर्डिंग हम इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पर आई एन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू दी पावर 10 का पावर n है तो इसलिए इसको आई एन से डिनोट करें, यदि पावर n माइनस 1 है तो उसकी जगह आई एन माइनस 1 ले सकते हैं, पावर n माइनस 2 होगा तो उसकी जगह आई एन माइनस 2 लिख सकते हैं। अब इसे सॉल्व करो, आई एन इक्वल टू 10 का पावर जो n है तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं n माइनस 2 एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स, ऐसा तो आई एन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू दी पावर n माइनस 2 एक्स, 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब 10 का पावर n माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो आई एन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू दी पावर n माइनस 2 एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स डीएक्स और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10 का पावर n माइनस 2 एक्स। हमने बताया था यदि पावर n है तो इसको आई एन से डिनोट करते हैं, पावर n माइनस 2 है तो इसको आई एन माइनस 2 से डिनोट करते हैं, तो आई एन इक्वल। अब एक काम करेंगे, पहले इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो इसमें 10x को हम t सब्स्टिट्यूट करते हैं, जब 10x को t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 10x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x इक्वल टू dt by तो dx इक्वल टू क्या जाएगा 1 अपॉन sec स्क्वायर x। इसे सॉल्व करो, I n इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर n माइनस 2 sec स्क्वायर x से sec स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा dt, और इसे लिखेंगे माइनस n I n माइनस में आते बाकी देखिए। इसका इंटीग्रेशन 10 का पावर n माइनस 2 का, तो आई एन इक्वल टू टी का पावर n माइनस 2 प्लस 1 अपॉन n माइनस 2 प्लस 1 माइनस आई एन। तो ये हो जाएगा आई एन प्लस आई एन माइनस टू इक्वल टी की जो वैल्यू वो पुट कर दीजिए, टी की वैल्यू कितनी है 10x, तो इधर आ जाएगा 10x का होल पावर एन माइनस वन, तो समझ में आता। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि I n इक्वल टू 10 टू दी पावर एन एक्स का इंटीग्रेशन करना है, और उसमें I n इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू दी पावर एन एक्स डी एक्स लिखा, तो कहेगा प्रूफ कीजिए I n प्लस I n माइनस 2 इक्वल टू 10x का होल पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। समझ में आ गया। अब इसके बाद क्वाड वाला भी देख लेते हैं, आई एन इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टू दी पावर सेम, इसको भी उसी तरीके से करेंगे, तो इसमें क्या करना है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट का पावर एन माइनस टू एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स। अब कॉट स्क्वायर एक्स को कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, cot स्क्वायर x को
कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब इसका अंदर इंटू कर दो तो आई एन इंटीग्रेशन ऑफ कॉट का पावर एन माइनस टू एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट का पावर एन माइनस टू एक्स। अब यहां पर पावर एन था तो इसलिए इसको आई एन से डिनोट किया, इधर वो पावर एन माइनस टू हो गया तो इसको आई एन माइनस टू से डिनोट कर। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करना है, कॉटेक्स को टी सब्स्टिट्यूट करो, कॉटेक्स का डिफरेंशिएट माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी टी वाई डी एक्स, तो डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, इधर आ जाएगा आई एन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी का पावर एन माइनस टू, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा माइनस आ गया जाएगा, ऐसे लिखेंगे आई एन। अब इसको इंटीग्रेट करो, आई एन प्लस आई एन माइनस टू इक्वल टू माइनस टी का पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस, तो आई एन प्लस आई एन माइनस टू इक्वल टू माइनस टी की जगह वैल्यू पुट करो तो कॉट एक्स का होल पावर एन माइनस वन अपॉन। इसमें भी इसी तरीके से प्रूफ करने के लिए समझ में आ गया। अब हम सॉल्व करेंगे सेक का पावर एन एक्स का इंटीग्रेशन और कॉसेक का पावर एन एक्स को इंटीग्रेट करने से। तो सेक का पावर एन एक्स इसको आई एन सी एम में सेक टू दी पावर, अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से एक sec square x अलग से ले लेंगे इसमें तो पावर n माइनस टू आ जाएगा, मतलब इसमें से sec square x अलग से इंटू में लेंगे तो क्या आ जाएगा पावर n माइनस टू एक्स इंटू sec square। अब इसमें sec square x का इंटीग्रेशन हो जाता है तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, दो फंक्शन का जब प्रोडक्ट वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे, यहां पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है इसलिए दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यहां अप्लाई करेंगे। किसको फर्स्ट लेना है, यहां पर इसका इंटीग्रेशन हो जाता है तो इसको इंटीग्रेशन के लिए यूज करेंगे, सेक का पावर n माइनस टू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स और माइनस डिफरेंशिएट ऑफ सेक टू दी पावर, इसे ऐसा सेक एक्स का होल पावर n माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। I n इक्वल टू sec टू दी पावर n माइनस टू एक्स और sec को x का इंटीग्रेशन n माइनस इसका डिफरेंशिएट तो पावर n माइनस टू और sec का पावर sec x का पावर n माइनस थ्री, चेन रूल से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर आगे पावर में से 1 माइनस और sec x का इंटीग्रेशन, तो क्या होता है sec x का इंटीग्रेशन sec x इनटू tan x और यहां पर tan sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x। I am इसे ऐसा लिखते sec x का होल पावर
एन माइनस टू इंटू टेन टाइम्स, और माइनस एन माइनस टू बाहर ले, और इंटीग्रेशन इस वाले सेक का इसमें इंटू होगा, तो सेक का पावर सेक एक्स का पावर एन माइनस टू, और क्या बचा टेन एक्स इंटू टेन एक्स, तो टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब इस टेन स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन पुट करते हैं, होल पावर एन माइनस टू इंटू टेन एक्स माइनस एन माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स का होल पावर एन माइनस टू, इधर क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। पर sec x का होल पावर जो n माइनस टू है उसका अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो i n इक्वल टू sec x का होल पावर n माइनस टू इंटू टेन एक्स और माइनस इंटू करो इसका इसमें इंटू होगा, इधर आएगा एन माइनस टू तो बाहर रहेगा, और इधर आ जाएगा सेक एक्स का होल पावर एन, और फिर एन माइनस टू इसका माइनस वन में इंटू होगा, फिर माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो प्लस एन माइनस टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स का होल पावर एन। अब यहां पर पावर n है, लगभग पावर n माइनस टू, तो इसे हम आई एन से डिनोट करेंगे, इसे आई एन माइनस टू, आई एन इक्वल टू sec x का होल पावर n माइनस टू और tan x, और माइनस n माइनस टू इसको क्या लिखेंगे हम आई एन, प्लस n माइनस टू इसको क्या लिखेंगे आई एन माइनस। तो आई एन साइड आई एन कॉमन हो जाएगा, तो वन प्लस एन माइनस टू आई सर एक्स का होल पावर एन माइनस टू इंटू टेन एक्स प्लस एन माइनस टू इंटू आई एन, तो आई एन की वैल्यू कितनी आएगी सर एक्स का होल पावर एन माइनस टू इंटू टेन एक्स और अपॉन में एन माइनस वन, वन प्लस एन माइनस टू एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू अपॉन एन माइनस वन और आई, तो ए सेक टू दी पावर एन एक्स के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट इस तरीके से करना। समझ में आ गया, वैसे ही आप कॉसेक का पावर एन एक्स को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्लियर। तो आज की क्लास में जो हम लोगों ने सीखा है, जो इंटीग्रेट करना पावर एन वाले फॉर्मेट में टेन का पावर एन एक्स, कॉस का पावर एन एक्स और सेक का पावर एन एक्स, और आपको कॉसेक का पावर एन एक्स वाला खुद से सॉल्व करना, ठीक है। इनको एक बार देखना अच्छे से, जैसे sec का पावर nx का किया वैसे ही सेम है cosec का पावर nx, तो इन सभी को एक बार समझना है और फिर खुद से प्रैक्टिस करना, ओके।